मैं डॉक्टर राकेश त्रिपाठी और आज हम सॉल्व करने वाले हैं डिफरेंशिएशन क्लास 12th का और डिफरेंशिएशन की एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 5 का क्वेश्चन नंबर 14। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इफ एक्स इंटू रूट वन प्लस वाई प्लस वाई इंटू रूट वन प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये गिवन है आपको। This condition is given and we are supposed to prove dy by dx is equal to this much. ये हमें प्रूव करना है, तो आइए देखें इसे किस तरह से प्रूव करते हैं। गिवन क्या है आप देखिए इसका प्रूफ। गिवन x इंटू रूट वन प्लस वाई प्लस वाई रूट वन प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो, विच इम्प्लाइज एक्स रूट वन प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई रूट वन प्लस एक्स। थोड़ा ट्रिकी है तो इसलिए इसकी तरकीब थोड़ी सी अलग है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स और स्क्वायरिंग से देखिए क्या होने वाला है। तो आप इसका स्क्वायर करिए, एक्स रूट वन प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई रूट वन प्लस एक्स होल स्क्वायर इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर वन प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वन प्लस एक्स, विच इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स। ओपन कर दिया, विच इम्प्लाइज इसको आप इधर ट्रांसफर कर दें, दोनों टर्म इधर ट्रांसफर की, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। एक्स माइनस वाई फैक्टराइज करने पे एक्स प्लस वाई प्लस इससे कॉमन आ रहा है, आप देखिए एक्स वाई ब्रैकेट विल हैव एक्स माइनस वाई, दोनों में से कॉमन आया एक्स माइनस वाई ब्रैकेट विल हैव एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। अब इससे ये पता चलता है या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा, तो दिस इम्प्लाइज ईदर This implies either x minus y is 0 or x plus y plus xy is equal to 0. अब हमें देखिए, अगर या तो आप इसे ले या इसे ले, पर अगर आप इसको डिस्कार्ड करना चाहते हैं क्योंकि इससे आएगा y equal to x और y equal to x आएगा तो dy by dx होगा 1 और आपको प्रूव करना है dy by dx is equal to this much, तो इट मीन्स इट शुड बी डिस्कार्डेड। टू डिस्कार्ड इट, इसे त्यागने के लिए आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो इफ x is equal to y, अगर x की वैल्यू y में के बराबर है तो हम उसे इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। देन अगर आप x की जगह y रखेंगे तो लेफ्ट साइड विल बिकम पॉजिटिव एंड राइट इज नेगेटिव, तो ये बराबर नहीं होगा। देन इट डज नॉट सेटिस्फाई इक्वेशन वन, देयरफोर एक्स माइनस वाई कैनॉट बी जीरो, एक्स माइनस वाई जीरो नहीं हो सकता। Therefore, फिर जीरो कौन होगा? अगर ये जीरो नहीं होगा तो फिर जीरो कौन होगा? फिर जीरो ये होगा, x plus y plus xy is zero, which implies x plus y common, 1 plus x implies y का वैल्यू, x को उधर भेज दीजिए माइनस x, 1 plus x को नीचे भेज दें तो ये y का वैल्यू आ गया। अब हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू एक्स डीवाई बाई डी एक्स
माइनस कॉमन, और इसके डिफरेंशिएशन के लिए क्वोशेंट रूल, 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स कॉन्स्टेंट, डी डी एक्स ऑफ एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस एक्स, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस, न्यूमरेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस एक्स डिनोमिनेटर, ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट 1 प्लस एक्स इंटू, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज 1, माइनस एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 इज 0, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज 1, अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस एक्स इंटू 1 एक्स, एक्स एक्स कैंसिल, तो माइनस 1 अपॉन माइनस ऑलरेडी देर, 1 प्लस एक्स माइनस एक्स इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, हेंस इट इज प्रूव्ड। तो इस तरीके से देखा आपने, इस क्वेश्चन को हम प्रूव कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट करेंगे जो एक्सप्रेशन गिवन है तो फिर आपको मुश्किल आएगी, फिर ये आप प्रूव करने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करेंगे, और इससे बड़े आसानी से आप प्रूव कर सकते हैं। तो और अगर इन केस इफ यू फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन प्रूविंग दिस और इन अंडरस्टैंडिंग दिस क्वेश्चंस सॉल्यूशन, प्लीज लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। और दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इन केस आप कोई प्रॉब्लम मुझसे फोन पर पूछना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9685698056। दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, इस पे आप अपने कमेंट लिखिए, प्रॉब्लम लिखिए, और कोई अपनी बात शेयर करना चाहते हैं तो मुझसे शेयर करें। विश यू ऑल द बेस्ट।